पौड़ी जिले में प्रत्येक विभाग के लिए पुराने रिकॉर्ड्स का रखरखाव और खोजना आसान होगा। दरअसल जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों अधिकारियों को ई गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ई गवर्नेंस में विभागों के सभी रिकॉर्ड्स अब ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे, जिससे शासकीय कार्य में पारदर्शिता तो आएगी ही, साथ ही आसानी से पुराने रिकॉर्ड्स भी खोजे जा सकेंगे। हालांकि ई गवर्नेंस की इस ट्रेनिंग से कम ही अधिकारियों की दिलचस्पी नजर आ रही है। कई अधिकारी ट्रेनिंग में नदारत दिखाई दिए हैं, जिस पर डीएम पौड़ी के ने निर्देश दिए हैं कि जूनियर कर्मचारी अब नदारद अधिकारियों को ई गवर्नेंस की ट्रेनिंग देंगे। पौड़ी से मुकेश मछेती की रिपोर्ट। एटीआई के सहयोग से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के लिए ई गवर्नेंस से रिलेटेड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कई सारे एस्पेक्ट्स को, जैसे कि जैम पोर्टल पे किस तरीके से प्रोक्योरमेंट को पास किया जाना है, या ई फाइल का जो सिस्टम है वो किस तरीके से ऑफिसर्स में इंट्रोड्यूस किया जाना है, या इसी तरीके के मल्टीपल इशूज़ को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ACRs को ऑनलाइन भरा जाना, इससे कहीं ना कहीं सरकारी कार्य करने के तरीके में सुधार आएगा, पारदर्शिता आएगी और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी, डेटा हमारा सिक्योर हो पाएगा और सिस्टमेटिक तरीके से हम काम कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स और हमारे डिपार्टमेंट्स इन ट्रेनिंग से सीखेंगे। मैंने उनसे भी पूछा कि तो कई सारे सबॉर्डिनेट्स को भेजा गया, तो उन लोगों को जो शो कॉज नोटिस